तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पिछले क्लास में क्या किया हमने, डिस्कस किया बॉल को यू स्पीड से ऊपर थ्रो किया, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है जी, और एक पॉइंट पे जाके इसका वेलोसिटी हो गया जी, और यहां पे ये फॉर ए मोमेंट रुकेगा, लेकिन रुका नहीं रहेगा, देन अगेन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा, उसका वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होगा, सो इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो फॉर ए मोमेंट। अब यहाँ पे एक बताता हूँ, मेडिकल वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं, एक सवाल आता है बच्चों ध्यान से सुनना, कि क्या किसी भी बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो बट एक्सेलरेशन जीरो ना हो, क्या ऐसा होता है? तो बच्चे कहते हैं सर वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, ऐसा नहीं है। देखो वेलोसिटी जीरो है इस मोमेंट पे बट एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, दिस इज वेरी फेमस सम, बच्चे गड़बड़ करते हैं सर ऐसा कैसे होगा, समझ में आ रहा है? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। देन यहां पे पहुंचने का टाइम कितना लगा, तो हम लोगों ने निकाला था कैसे, कितना आया था यू बाई जी टॉप मोस्ट पोजिशन पहुंचने का। अगर तुमसे पूछा जाए कि कैसे डिराइव किया, भूल गए कि यू बाई जी होता है कि यू बाई टू जी होता है, प्रिशा एकदम ध्यान से समझना, अगर मुझे ये निकालना है तो क्या कंडीशंस था, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो गया जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू, एक्सेलरेशन नीचे है अपवर्ड को पॉजिटिव लिया तो एज माइनस जी इंटू टी, कितना सेकंड लगेगा ये डिराइव करने में। मैं चाहता हूं कि बच्चे को ये ध्यान में हो, सिर्फ डट्टा ना मारे कि टाइम ऑफ एसेंट इज यू बाई जी, है ना, मेरा फोकस होता है कि बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो, और अगर वो भूल गए तो बहुत इजली वो डिराइव कर सकते हैं। देन और क्या डिस्कस किया बच्चों, और हमने डिस्कस किया मैक्सिमम हाइट पहुंच, मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया है, एच मैक्स, सबको याद होगा, देखो ये याद ही कर लो यू स्क्वायर बाई टू जी, बट ये आया कैसे, ये डेरिवेशन देख लेना, यहां और यहां पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस का फॉर्मूला लगाया, और क्या निकाला था बच्चों, और निकाला कि ये यहां से यहां आ गया, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितना देर एयर में रहा है, और देखो यहां से चला और फिर यहीं आ रहा है, ये केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कम्स आउट एज टू यू बाई जी, बट इसके लिए कंडीशंस क्या यूज किया था हमने, कंडीशन यूज किया था एस इज इक्वल टू जीरो, डेरिवेशंस भी ध्यान में रखना है, रट्टा नहीं मारना है। और क्या निकाला, इतना ही हुआ, क्या बोर्ड नहीं दिख रहा अमोल, तो सवाल ले रहे यूज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड अपवर्ड थ्रो किया, जी का वैल्यू 10 लेना है, पहला सवाल निकालना है फाइंड मैक्सिमम हाइट एट 10, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट
तीसरा वेलोसिटी एक्ट, सिक्स सेकेंड, फोर्थ स्पीड ऑफ द बॉल, स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट हाइट 20 मीटर अबव ग्राउंड। पांचवा सवाल, फिफ्थ, ये लिखते जाओ और सॉल्व भी करते जाओ। फाइंड displacement in fifth in 4 to 6 seconds. सर स्क्रीन नहीं दिख रही। तो पहला दूसरा तो बहुत ही सिंपल था, मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या है, पहला का आंसर यू स्क्वायर अपॉन 2g है ना, तो जाएगा 50 × 50 डिवाइड बाय 2 × 10 125 मीटर। सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। दूसरा सवाल मैंने पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर जाने का टाइम से भी पूछ रहा हूँ, ऊपर जाके वापस आने का भी टाइम। तो कुछ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे, बट मैक्सिमम सही बताए, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g 10 seconds। अगर पूछता है ऊपर जाने का टाइम, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम, तो u/g होता। वेलोसिटी एट 6 सेकेंड, सिंपल सा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस at। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, v इज इक्वल टू निकालना है u कितना है प्लस 50, अगर आप अवॉइड कर लिया पॉजिटिव तो ये हो जाएगा -10 × t कितना लेंगे 6, तो जाएगा -10 m/s। इसका मतलब मैं आंसर करूंगा 10 m/s डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, क्लियर। टेन मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट हाइट 20 m अबव द ग्राउंड, फोर्थ। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप ये देखो, यहां पे चेक करना है, यहां पे समझना है, इनिशियल दिया हुआ वेलोसिटी किसी पॉइंट पे पूछ रहा है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम लोग वी इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेशन विल बी -10 और एस विल बी +20, ऊपर के रिएक्शन को पॉजिटिव लिया, तो वी स्क्वायर जाएगा 2500 -400, सो वी इज इक्वल टू रूट 2100। सही लिख रहा हूं क्या, दैट मीन्स v इज इक्वल टू
10 root 21 so this is the speed आपको अगर सर आपने स्पीड पूछा वेलोसिटी क्यों नहीं पूछा फोर्थ सवाल में अगर हमने ऐसे थ्रो किया है ये यहां तक गया कितना 125 मीटर पे सो ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे वापस आ रहा है तो यहां से h इक्वल टू 20 मीटर पे इस पॉइंट पे ये दो बार है एक बार जाते समय और एक बार आते समय तो तुम ऐसे भी देखो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू 2100 तो वी इक्वल टू प्लस माइनस 2100 कह सकते हैं एक बार जा रहा था तो और एक बार आ रहा था बट स्पीड पूछा तो हम यही कहेंगे क्या फोर्थ में किसी को डाउट डिस्प्लेसमेंट इन 4 to 6 सेकेंड तो ये क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड लिखो कितना आता है डिस्प्लेसमेंट 6 सेकेंड लिखेंगे 50 into 6 माइनस हाफ 10 मतलब एज इक्वल टू माइनस 10 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 50 into 4 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर हो जाएगा 300 माइनस 180 माइनस 200 माइनस 80 ये हो जाएगा 120 माइनस 120 क्या हो जाएगा 0 सर ऐसे कैसे हो गया जीरो कैसे आ गया जीरो इज करेक्ट आंसर है ना तो एक्चुअली क्या हुआ देखना टी इक्वल टू जीरो पे दिस यू इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड दिस इज गोइंग अप टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कहीं होगा फिर यहां से ऊपर गया टॉप मोस्ट पोजिशन पे टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे पहुंचेगा एंड देन इट विल कम बैक यहां पे फिर से टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे आएगा यहीं पे 4 और 6 सेकेंड पे पोजिशन सेम ही होगा डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ये यही आएगा सो 4 और 6 के बीच में डिस्प्लेसमेंट 0 फिर ये वापस आ जाएगा सो आई होप कि ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे अमोल क्लियर हुआ क्या अमोल कनेक्शन सही है या नहीं शुभम सिंह आज ज्वाइन किया है शुभम नहीं ज्वाइन किया है उसका हमेशा रहता है कि सर कनेक्शंस नहीं है
हेलो हाँ शुभम, तूने क्लास अभी ज्वाइन नहीं किया? हाँ सर वही कर रहा हूँ मैं अभी। जल्दी से ज्वाइन करो, क्लास इतना आगे बढ़ गया, अभी बताओ खत्म होने वाला है। ठीक है चलो जल्दी से ज्वाइन करो, है ना? ओके सर। चलो हम लोग क्या नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अच्छा ये रिकॉर्डिंग ऑन था। अच्छा नेक्स्ट सवाल लिखो, ए बॉल इज थ्रोन विथ अ स्पीड यू, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ स्पीड यू, find the speed of the ball at a height half of the maximum height it attains. अब ये सवाल क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या पूछ रहा हूं। यू स्पीड से थ्रो किया, ये कहीं तो जाएगा, मैक्सिमम हाइट कुछ तो अटेन करेगा, बट हमें दिया नहीं है, मुझे दिया नहीं है, बट वी नो कि हाउ टू फाइंड। सो मैक्सिमम हाइट अटेन किया अगर एच, तो मैं पूछ रहा हूं कि यहां से h by 2 distance पे what is the speed v, this is unknown, यही निकालना है और तुम्हारे पास एक मिनट का टाइम है, जल्दी से निकालो। रुद्राक्ष ने कुछ बताया है, चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। क्या करना है पूछा यहां पे, अभी मैक्सिमम हाइट दिया नहीं है, मैं निकालना होगा। अगर मैक्सिमम हाइट h है तो इस पॉइंट पे पूछा है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u तो दिया हुआ है प्लस 2, a कितना है माइनस g, s कितना है h बाय 2। कुछ बच्चे क्या किए, सिर्फ u स्क्वायर माइनस 2gx लिख दिए और इसका रूट बता दिया, लेकिन ये यही आंसर नहीं है, बिकॉज h इज नॉट गिवन, यू हैव टू फाइंड h, बट मुझे तो पता है h कितना होता है, निकालने आता है, कितना होता है u स्क्वायर बाय, सॉरी ये 2 चला गया, u स्क्वायर बाय 2g, ये g g कैंसिल, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, तो बच्चा u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, तो u स्क्वायर बाय 2, सो v इज इक्वल टू स्पीड पूछा है u बाय रूट 2, प्रथमेश क्लियर हुआ क्या, पल्लवी सिन्हा Is it clear now? और मैं बता रहा हूं जब ये सवाल रहेगा ना तो मेरे एग्जाम में आएगा, तो सवाल में एक ऑप्शन तो जरूर रहेगा u by 2। और मैं ये भी बताता हूं कि इसी क्लास में मैं टेस्ट लूंगा ना, इसी क्लास में तो 30-40% बच्चे तो यही टिक करेंगे और मैं दिखा दूंगा तुम्हें। क्यों टिक करेंगे, कहेंगे अच्छा यहां यू है, हाफ हाइट पे हाफ हो जाएगा वेलोसिटी, ऐसा सोचते हैं। ठीक है
तो इस सवाल में सिर्फ एक बच्चे ने सही की थी, एक ही आई थिंक सही आंसर आया था. कंप्लीट आंसर और किसी का नहीं था, सिर्फ प्रिया पाटिल ने सही की थी. तो मैं दूसरा सवाल दे रहा हूं और इस बार सब सारे लोग सही सही सॉल्व करना. A ball is thrown with some speed. A ball is thrown upward with some speed. It attains maximum height h. Find height when ball has a speed half that of इनिशियल स्पीड. थोड़ा सा सवाल को हमने चेंज कर दिया. मैक्सिमम हाइट यूएस का बाई 2g. प्रथमेश क्या डाउट आ रहा है? दिस इज द यूएस स्पीड एच मैक्स. कल भी पढ़ा था, आज भी बताया यूएस स्क्वायर बाय 2g. तो डाउट आ रहा है इसमें, मैसेज तो नहीं किया. कैसे निकालेंगे ये भी बताया था. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. वी जीरो मैक्सिमम हाइट के लिए, 2 माइनस जी एच मैक्स. एक सेकेंड में आ जाएगा. बच्चों अब इस सवाल को देखो, इसमें हमने क्या दिया है, किस स्पीड से थ्रो किया वो नहीं बताया है. ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ सम स्पीड कुछ है, मान लेते हैं यू है. कहा कि ये मैक्सिमम हाइट एच अटेंड किया. देखो ये एच दे दिया है, एच इज नोन. Find height of the ball when ball has a speed half to that of the initial speed. Initial speed का जिस समय ball का speed half है, that means u by 2 है, उस समय ये small h कितना है? That means your answer should be in terms of capital H. So, अब 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी से सॉल्व करो. इस सवाल में मैक्सिमम हाइट दिया है, मान लेते इसको यू स्पीड से थ्रो किया, यू क्या नहीं दिया है, बट पूछा है कि जिस समय इसका स्पीड यू बाय 2 होगा उस समय हाइट क्या है ना. सबसे पहले तो क्या एच यू के टर्म में हम लोग बता सकते हैं क्या? क्योंकि हाँ सर, एच इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर बाई 2g. बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ये एच क्या है. सो यहां और यहां के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. व्हाट इज वी? यू बाई 2. व्हाट इज यू? यू 2 माइनस जी इंटू एस. एस यही निकालना है स्मॉल एच, या एस ही रहने दो, यही निकालना है. सो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहां से माइनस 3 यू स्क्वायर बाई 2 जी. 2 नीचे आ गया,
ये 3u² / 4 है और ये 2 है, 8g है ये, या इसको ऐसे ही लिख लो 4 × 1/2g. नाउ और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये माइनस और यहाँ भी माइनस. सो एच इज इक्वल टू कितना आ गया देखना है, यहाँ से u² / 2g को हमने क्या लिखा है, u² / 2g को h लिखा है. सो दिस इज 3h/4. ठीक है, माइनस 3u² / 4 माइनस 2gh, ये माइनस माइनस चला गया. सो आई होप कि सबका आंसर आना चाहिए था, बट अभी भी नहीं आ रहा, मुझे एक और सवाल लेना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो. नेक्स्ट सवाल, प्रथमेश ने कहा सर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. बच्चों एकदम देखो कि सारे बच्चों से मैं आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ. अब बहुत सारे बच्चे एकदम से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तन्मय, तनिष्का, अबे आसान से सवाल ले रहा हूं. एक बॉल को लो ग्राउंड से एच हाइट पर रखो एंड देन रिलीज इट, छोड़ दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो है ना. सो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, इसी को बोलते हैं बॉल इज रिलीज, बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, या सिंपली रिलीज का मतलब. सो हमें ये निकालना है कि when it will strike the ground, what will be the velocity? पहला सवाल, find velocity with which the ball strike the ground. दूसरा सवाल, अगर इसको हमने रिलीज किया है t = 0 पे, तो कितने टाइम में ये हिट करेगा, फाइंड टाइम टेकन टू रीच ground. Find time taken by the ball ठीक है, ये दोनों सवाल करना है. अब सवाल ये आता है कि सर अब मैं कौन से डायरेक्शंस को पॉजिटिव डायरेक्शंस लूं, अपवर्ड को लूं या डाउनवर्ड को लूं, दोनों में से कोई भी लोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा. बट मैं कहूंगा कि प्रेफरेबली क्या करो, अभी डाउनवर्ड डायरेक्शंस को ही पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो. तो इससे क्या फायदा होगा कि तुम्हें माइनस साइन लिखने से बच जाओगे, बिकॉज देखो डाउनवर्ड को अगर पॉजिटिव लोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, अगर अपवर्ड को पॉजिटिव लोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव. सो बट आंसर्स विल बी सेम. सो लेट्स मैं डाउनवर्ड एक्सेस को पॉजिटिव लिया, पहला सवाल सॉल्व कर रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना. विल अप्लाई v² - u² = 2as बिकॉज डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पूछा है. सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला,
प्रथम इसने सही सही सॉल्व किया। जी के टर्म में ही आंसर बताओ, जी के टर्म में। और ये सब बेसिक सवाल है बच्चों, ये सब ना बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा। वी इज, ये तो निकालना है। व्हाट इज यू? जीरो। व्हाट इज ए? अगर तुमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है तो ए हो जाएगा प्लस जी, और एस भी हो जाएगा प्लस एच। लेकिन कहा नहीं सर, मैं तो अपवर्ड को ही पॉजिटिव मानूंगा, तो एक्सेशन भी माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट भी माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, आंसर विल बी सेम, होना भी चाहिए। सो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू जी एक्स, दैट मीन्स वी इक्वल टू रूट टू जी एक्स। क्लियर? दूसरा सवाल आया, टाइम निकालना है। और मुझे क्या पता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना प्रीफर करेंगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है और इफ वी टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी प्लस एच। ये तो जीरो, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो प्लस जी, सो हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 2h by g, so t equals to root 2h by g. अच्छा एकदम से ध्यान में रखना, बहुत फ्रीक्वेंट यूज में आएगा। आयुष ने सही सही सॉल्व किया, प्रथमेश ने भी सही सॉल्व किया, देवकी ने भी बहुत सही सॉल्व किया, बहुत बढ़िया। इस बार बच्चों ने सही सॉल्व किया, लेकिन सिर्फ तीन, एक प्रिया पाटिल ने भी शायद सॉल्व किया। बच्चों देखना, एक बॉल को एक टावर के ऊपर से थ्रो किया, कॉर्नर से, जैसे तुम अपने छत पे पहुंच गए और बॉल को ऊपर थ्रो कर दो, जस्ट कॉर्नर से किया, क्या होगा, थोड़ा सा इधर, तो ये बॉल ऊपर गया कहीं पे, रेस्ट में आएगा मोमेंटली एंड देन इट विल कम बैक, थोड़ा सा इधर से है, सो ये तुम्हारे पास से थोड़ा सा बगल से गुजर जाएगा एंड इट विल हिट द ग्राउंड। ठीक है, लिखो, ए बॉल इज थ्रोन अप विथ अ स्पीड, ए बॉल इज थ्रोन अप विथ अ स्पीड 25 meter per second from top of a tower. It hit the ground at t equal to 6 seconds. थ्रो कब किया है, टी इक्वल टू जीरो पे, हिट कब किया ग्राउंड को, टी इक्वल टू 6 सेकंड पे। देन
तो आज का ये लास्ट सवाल है, सही सही सॉल्व कर लिए तो, नहीं तो मैं फिर आधे घंटे और क्लास लूंगा, देख लो। पहला सवाल, With what velocity the ball hit the ground? Dusra sawal. Height of the tower. And तीसरा सवाल, total distance traveled by the ball before it hit the ground. अच्छा ये तीन सवाल है, ये सॉल्व कर लिए तो छुट्टी आज का, नहीं तो बता रहा हूँ मैं आधे घंटे और एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, तनिष्का बता रही है कि डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो सर। चलो सारे बच्चे वही फॉलो करो भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। सो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, तो क्या लिखूंगा? -25 बिकॉज डाउनवर्ड को तनिष्का ने पॉजिटिव ली है ना। दूसरा, एक्सेलरेशन क्या लूंगा? जी डाउनवर्ड में है तो पॉजिटिव, जी का वैल्यू 10 लेना, +10 प्लस है ना। पहला सवाल तो ये पूछा है कि वेलोसिटी किस वेलोसिटी से हिट किया, कितने सेकंड में हिट किया है? 6 सेकंड में। तो पहला सवाल को जब सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों? टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है फाइनल, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो फॉर्मूला है, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया। विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड, यू इज इक्वल टू -25, ए इज इक्वल टू +10, टी इक्वल टू 6, कितना हो गया? +35। सही लिखा ना? प्लस क्या बता रहा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेस कौन सा माना है? नीचे को, तो हिट करने से पहले इधर है और इतना तो क्लियर ही है। देव की साइड टाइपिंग मिस्टेक की हो, बाकी बच्चे ने सही सॉल्व किया, प्रिया सही सॉल्व की है, वेदांत करेक्ट, तनिष्का करेक्ट, रोहित करेक्ट, लोकेश पवार करेक्ट, बहुत बढ़िया, शरण्या करेक्ट, क्या बात है। क्लास एक्सटेंड करने के लिए जब कहता हूं तो बच्चे एकदम सही सही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, मेरा एकदम हमेशा का एक्सपीरियंस है। देखो सारे बच्चों ने सही सॉल्व किया। टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर्स वी विल से दैट कि ये यहां से चला, ऑल्दो ऐसे गया है बट यहां आया है। So this is displacement. जब यही height of the tower है, मैं formula लगा देता हूँ, S equal to ut plus half a t square. What is S? Height of the tower h plus h. U is -25, t is 6 plus half
a is 10 into 6 square minus 150 plus कितना आ जाएगा 180 है ना, ये 180 आ गया, so that is equal to 30 plus 30 आना भी था, 30 meter is the height. बहुत बढ़िया, देखो सबने सही सॉल्व किया, तनिषा, लोकेशा, तनिष्का, रुद्राक्ष, बहुत बढ़िया, प्रिया पाटिल. सो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए लास्ट पार्ट ये हाइट, फिर से वापस आया तो फिर से ये हाइट प्लस ये, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल. ये हाइट हो जाएगा, यू एस स्पीड था तो यू एस का बाय 2g तक ट्वाइस वापस भी आ रहा है और प्लस 30, सो आंसर इज 92.5. तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ.